हेलो एवरीवन, कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक है लोन फ्रॉम बैंक्स, यानी जो बैंक के माध्यम से इंडिया को लोन प्रोवाइड किए गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमने जनवरी से अक्टूबर 2020 के बीच में जो इंटरनेशनल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनके माध्यम से इंडिया और इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को जो लोन प्रोवाइड किया गया है उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में डेफिनेटली 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर बनेंगे। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। हमारे कुछ प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म पर हम आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट देते हैं, तो आप हमारे इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। देखिए, वर्ल्ड बैंक इसको फाउंड किया गया था 1944 में। वर्ल्ड बैंक की बात करें, ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप की जो कंट्रीज हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। इसमें कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जैसे कि इनकी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ये अपॉइंट हुए हैं राजेश खुल्लर, यानी राजेश खुल्लर ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। सीनियर एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये हुए हैं राजीव तोपनो, और प्रैक्टिस मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज इन साउथ एशिया ये हुए हैं अब्बास झा, और चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ये अपॉइंट हुई हैं कार्मेन रेनहर्ट। ये कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं जो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को जो लोन अमाउंट प्रोवाइड किए हैं उसको हम देखते हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश को दिया है $82 मिलियन का फंड, यानी वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल प्रदेश को $82 मिलियन का फंड वहां की जो मेजर रोड कनेक्टिविटी है उसको अपग्रेड करने के लिए प्रोवाइड किया है। यानी हिमाचल प्रदेश का जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है उनके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जो मेजर रोड्स हैं उनकी कनेक्टिविटी और उनको अपग्रेड किया जाएगा, तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने $82 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया है। और हिमाचल प्रदेश को $80 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया है, ये किया गया है वहां के वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। यानी हिमाचल प्रदेश का जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने $80 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया है, जिसके माध्यम से जो वहां की ग्राम पंचायत हैं उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प मिले, तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने $80 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु को वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया है। इसके अंतर्गत तमिलनाडु को हाउसिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करने के लिए $200 मिलियन यानी करीब 1,510 करोड़ रुपीज का फंड दिया गया है, और तमिलनाडु को हाउसिंग और हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए $50 मिलियन यानी कि 377 करोड़ रुपीस का फंड प्रोवाइड किया है। तो आपको याद रखना है तमिलनाडु के लिए वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन का फंड दिया है। और बात करें, वर्ल्ड बैंक ने 6 स्टेट को स्टार प्रोजेक्ट के अंतर्गत $500 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया है। इसमें 6 स्टेट है हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान, यानी ये 6 स्टेट हैं, इनको स्टार प्रोजेक्ट, स्टार की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम, इसके तहत वहां की जो एजुकेशन क्वालिटी है और उसके गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए वर्ल्ड बैंक के माध्यम से इन 6 स्टेट को स्टार प्रोजेक्ट के तहत $500 मिलियन का फंड यानी करीब 3,700 करोड़ रुपीज का फंड दिया गया है। और हम बात करते हैं नमामि गंगे के तहत वर्ल्ड बैंक ने $400 मिलियन का फंड दिया है, यानी नमामि गंगा प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड बैंक ने $400 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया है, जिसके माध्यम से जो गंगा है उसको रेजुविनेट किया जाएगा। और बांग्लादेश को वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया है, यानी वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को भी $500 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया है, जिससे कि वह वेस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड रीजनल एनहांसमेंट को इम्प्रूव कर सकें। तो आपको याद रखना है बांग्लादेश के लिए वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया है। अब बात करें आसाम की, तो आसाम को वर्ल्ड बैंक ने $88 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया है, जिसके अंतर्गत जो आसाम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, यानी कि जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन है
वहां उसको प्रमोट किया जाएगा। इसके लिए 88 मिलियन डॉलर का फंड वर्ल्ड बैंक ने आसाम गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया है। और बात करें अब वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल को वर्ल्ड बैंक के माध्यम से 1950 करोड़ रुपीज का फंड COVID-19 जो पेंडेमिक डिसीज है उसको टैकल यानी कि उसको फाइट करने के लिए प्रोवाइड किया है। आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक ने वेस्ट बंगाल को 1950 करोड़ रुपीज का फंड COVID-19 जो पेंडेमिक डिसीज है उसे फाइट करने के लिए प्रोवाइड किया है। और बात करें इंडिया को वर्ल्ड बैंक के माध्यम से 750 मिलियन डॉलर का फंड दिया गया है। ये जो फंड है MSME इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्रोग्राम के तहत दिया गया है। देखिए पेंडेमिक जो कोरोना डिजीज है इसके चलते जो MSME सेक्टर है इसमें काफी डाउनफॉल आया, उसको देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने MSME सेक्टर को एक इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्रोग्राम के तहत 750 मिलियन डॉलर का फंड प्रोवाइड किया है, जिसके माध्यम से जो MSME सेक्टर है उसको इम्प्रूवमेंट दिया जा सके और साथ ही साथ जो MSME बिजनेस है उनके बिजनेस को एक्सपेंशन मिल सके। तो इसके लिए 750 मिलियन डॉलर का फंड वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को प्रोवाइड किया है। और इंडिया को वर्ल्ड बैंक के माध्यम से 450 मिलियन डॉलर का फंड दिया गया है। ये जो फंड है ये अटल भूजल योजना के लिए दिया है। आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को 450 मिलियन यानी 450 मिलियन डॉलर का फंड अटल भूजल योजना के तहत दिया है। और वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को 400 मिलियन डॉलर का फंड ये दिया है मैरिन सोर्सेज है उनको इन्हांस करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वर्ल्ड बैंक के माध्यम से 400 मिलियन डॉलर का फंड दिया है। और इंडिया को COVID-19 जो पेंडेमिक डिजीज है उसको टैकल करने के लिए वर्ल्ड बैंक के माध्यम से 1 बिलियन डॉलर का फंड प्रोवाइड किया है। देखिए ये जो फिगर है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि आप बताइए MSME इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को कितने डॉलर का फंड प्रोवाइड किया है। तो ये आपको ऑप्शन में प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें आपको नंबर ऑफ डिजिट्स दी जाएंगी, तो आपको वहां करेक्ट जो डिजिट है उसको आपको टिक करना होता है। तो ये जो डिजिट है ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन्हें अच्छे से देखना है। आप इस वीडियो को एक से दो बार देख सकते हैं जिससे कि ये जो फिगर है इनको आप इजिली लर्न कर सकें और ये आपकी जो अपकमिंग जो नियरेस्ट एग्जाम है उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को 750 मिलियन डॉलर का फंड ये MSME इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्रोग्राम के तहत, और इंडिया को 450 मिलियन डॉलर का फंड ये अटल भूजल योजना के तहत, और इंडिया को 400 मिलियन डॉलर का फंड कोस्टल और मैरिन रिसोर्सेज को एनहांस करने के लिए, और COVID-19 जो पेंडेमिक डिजीज है उसे फाइट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 1 बिलियन डॉलर का फंड प्रोवाइड किया है। और बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र को वर्ल्ड बैंक ने 210 मिलियन डॉलर का फंड प्रोवाइड किया है। इसके अंतर्गत जो एग्री बिजनेस है और जो रूरल ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोजेक्ट है उसके लिए इस फंड को प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि वर्ल्ड बैंक ने महाराष्ट्र को 210 मिलियन डॉलर का फंड वहां का जो एग्रीकल्चर बिजनेस है और जो रूरल ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोजेक्ट है इसके लिए प्रोवाइड किया है। तो आपको ये फिगर याद रखनी है। और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो देखो वर्ल्ड बैंक ने करीब 100 कंट्रीज को 160 बिलियन डॉलर का फंड फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में प्रोवाइड किया है। तो आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक ने 160 बिलियन डॉलर का फंड 100 कंट्रीज को COVID-19 पेंडेमिक डिसीज से टैकल करने के लिए प्रोवाइड किया है। ओके, और हम बात करें इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की। देखो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक मेंबर है। इन्होंने 75 करोड़ रुपीस का फंड एंडिया पार्टनर्स फंड सेकंड को प्रोवाइड किया है। यानी इसके तहत जो एंडिया पार्टनर्स फंड सेकंड है ये इन्वेस्टमेंट के रूप में प्रोवाइड करेगा। तो यानी हम जो 75 करोड़ रुपीस है इसको हम 10 मिलियन डॉलर के रूप में कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है इसने एज अ इन्वेस्टमेंट के रूप में इंडिया पार्टनर्स फंड के साथ इन्वेस्ट किया है। ओके, अगला है, नेक्स्ट है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक 145 मिलियन ईच। यानी वेस्ट बंगाल के इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तहत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने यानी प्रत्येक ने 145 मिलियन डॉलर का फंड प्रोवाइड किया है। यानी इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 413.8 मिलियन डॉलर का बजट आउटले बनाया है।
इसके अंतर्गत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $145 मिलियन और वर्ल्ड बैंक ने $145 मिलियन का फंड इन्वेस्ट किया है और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने $123.8 मिलियन का फंड इन्फ्यूज किया है, जिसके माध्यम से जो इरिगेशन और जो फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है उसको प्रोसीड किया जा सके। ओके, तो आपको याद रखना है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने वेस्ट बंगाल के इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए $145 मिलियन का फंड प्रत्येक ने इन्वेस्ट किया है। अब हम बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है मंडलायुंग मेट्रो मनीला फिलीपींस में। इसके प्रेसिडेंट हैं मतास्कू अशकावा, जिनका अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है। और इसके फॉर्मेशन की बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 19 दिसंबर 1966 में। इसके मेंबर कंट्रीज हैं 68 और इसमें कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं समीर कुमार खारे और इसके न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया है ताकियो कोनिशी और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक हैं अशोक लवाशा। अब बात करते हैं एडीबी बैंक ने जो लोन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इंडिया और इंडिया के जो डिफरेंट स्टेट हैं उनकी हम बात करते हैं। तो इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 700 करोड़ रुपीज का फंड एडीबी ने प्रोवाइड किया है। ये जो फंड है महाराष्ट्र के एग्री बिजनेस नेटवर्क प्रोजेक्ट के लिए प्रोवाइड किया है, यानी महाराष्ट्र का जो एग्री बिजनेस नेटवर्क है इसका जो टोटल आउटले है ये 1000 करोड़ रुपीज है, यानी करीब $142.9 मिलियन। इसके तहत एडीबी बैंक ने 700 करोड़ रुपीज का फंड प्रोवाइड किया है और जो रिमेनिंग फंड है 300 करोड़ रुपीज ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इन्फ्यूज किया है। यानी जो महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क है इसके तहत जो फार्मर्स हैं उनको आने वाले 6 साल के लिए इस प्रोजेक्ट के तहत हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको याद रखना है एडीबी बैंक ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 700 करोड़ रुपीज का फंड महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क के तहत प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट है इंडिया $3 मिलियन, यानी इंडिया को $3 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया है इंडिया गवर्नमेंट को, जिससे कि जो COVID-19 पैंडेमिक डिजीज है उसको टैकल करने में या उसको फाइट करने में हेल्प मिल सके। तो आपको याद रखना है इंडिया को एडीबी ने $3 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट है NIIF, यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसके तहत एडीबी ने $100 मिलियन का फंड इन्वेस्ट किया है। यानी इसकी बात करते हैं तो ये एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ फाइनेंसिंग है जो एक प्राइवेट सेक्टर कंपनीज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एडीबी बैंक ने नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत $100 मिलियन का फंड इन्वेस्ट किया है। और इंडिया को एडीबी ने $177 मिलियन का फंड जो 11 मेजर स्टेट हैं उनके हाईवे को इम्प्रूव या अपग्रेड करने के लिए प्रोवाइड किया है। तो आपको याद रखना है एडीबी ने इंडिया के करीब 11 राज्यों के जो हाईवेज हैं उनको अपग्रेड करने के लिए $177 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया है। और नेक्स्ट है अवादा एनर्जी को $15 मिलियन का फंड एडीबी ने प्रोवाइड किया है। यानी इसके तहत जो फोटोवोल्टिक सोलर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी है उसकी स्केल को अपग्रेड करने और साथ ही साथ फोटोवोल्टिक सोलर एनर्जी है उसको इंक्रीज करने के लिए एडीबी ने अवादा एनर्जी को $15 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया है। और नेक्स्ट है एनजी। देखो, एनजी एक सोलर पावर कंपनी है जो गुजरात बेस्ड कंपनी है। इसको 466 करोड़ रुपीज का फंड सोलर प्रोजेक्ट के तहत दिया गया है। तो आपको याद रखना है एनजी को 466 करोड़ रुपीज का फंड एडीबी ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए गुजरात में प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट है सुगुना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। देखो, सुगुना फूड प्राइवेट लिमिटेड ये एक फूड कंपनी है। इसको $15 मिलियन का फंड एडीबी ने प्रोवाइड किया है, जिसके तहत जो रूरल लिवलीहुड मिशन है उसको सस्टेनेबल और एक डेवलपमेंट गोल की तरफ पहुंचाया जा सके। तो आपको याद रखना है एडीबी ने सुगुना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को $15 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट है राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। देखो, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अर्बन सेक्टर प्रोजेक्ट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से $570 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया है।
यानी हम बात कर सकते हैं जो राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो अर्बन एरिया है, इसके तहत अर्बन सेक्टर प्रोजेक्ट में एडीबी ने 570 मिलियन डॉलर का फंड प्रोवाइड किया है। तो आपको याद रखना है ये जो फंड है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश को दिया गया है। और बात करते हैं एडीबी की, तो एडीबी ने लोन प्रोवाइड किया है इंडिया को 500 मिलियन डॉलर का फंड। इसके तहत ये जो फंड है ये इंडिया को दिल्ली मेरठ आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए एक इन्वेस्टमेंट के रूप में प्रोवाइड किया है। आपको याद रखना है एडीबी ने 500 मिलियन डॉलर का फंड, यानी ये जो फंड है ये पहली किस्त है एडीबी की तरफ से। इसमें एडीबी के माध्यम से 1 बिलियन डॉलर का फंड इन्वेस्ट किया जाएगा, लेकिन अभी इसकी पहली किस्त प्रोवाइड की है 500 मिलियन डॉलर का फंड, जो करीब 7485 करोड़ रुपीस का फंड प्रोवाइड किया है। देखिए हम बात करते हैं दिल्ली मेरठ आरआरटीएस की रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की। ये एक रेलवे प्रोजेक्ट है जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच में है, जिसकी डिस्टेंस करीब 88 किलोमीटर के आसपास है। ओके, इसमें करीब जो टोटल आउटले प्रोजेक्ट है ये 3.94 बिलियन डॉलर का है, जिसमें करीब एडीबी के माध्यम से 1 बिलियन डॉलर का फंड प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें अभी इंडिया को 500 मिलियन डॉलर का फंड यानी पहली किस्त के रूप में एडीबी ने प्रोवाइड किया है। तो आपको याद रखना है दिल्ली मेरठ आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसके तहत 500 मिलियन डॉलर का फंड पहली किस्त के रूप में एडीबी ने प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक। देखो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भी दिल्ली मेरठ आरआरटीएस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 500 मिलियन डॉलर का फंड प्रोवाइड किया गया है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये 2025 में कंप्लीट होगा। अब हम बात करते हैं इंडिया एक्सिम बैंक की। इंडिया एक्सिम बैंक की बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 1 जनवरी 1982 में, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डेविड रेस्क्यूना, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। देखो जो एक्सिम बैंक है इन्होंने भी काफी सारे लोन्स प्रोवाइड किए हैं, उसको हम देखते हैं, जिसमें एक्सिम बैंक ने मोजाम्बिक एक कंट्री है इसको 250 मिलियन डॉलर का फंड प्रोवाइड किया है। यानी ये जो 250 मिलियन डॉलर का फंड है ये पावर सप्लाई जो क्वालिटी है उसको कंट्री में इम्प्रूव करेगा, यानी कि जो पावर सप्लाई कंट्री में उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए 250 मिलियन डॉलर का फंड एक्सिम बैंक ने मोजाम्बिक कंट्री को प्रोवाइड किया है। ओके, नेक्स्ट है मलावी। मलावी एक कंट्री है, इसको एक्सिम बैंक के माध्यम से 215.68 मिलियन डॉलर का फंड प्रोवाइड किया है। इसके तहत वहां का जो वाटर ड्रिंकिंग सप्लाई सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, और साथ ही साथ जो वाटर इरिगेशन, टैबैको थ्रेशिंग प्लांट, कॉटन प्रोसेसिंग फैसिलिटी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू वाटर सप्लाई सिस्टम, लिखुबुला रिवर है वहां पर इसको बिल्ड किया जाएगा। तो आपको याद रखना है मलावी के लिए एक्सिम बैंक के माध्यम से 215.68 मिलियन डॉलर का फंड प्रोवाइड किया है। तो आपको याद रखना है ये जो मलावी फंड ये किस चीज के लिए दिया गया है, ये दिया गया है वहां का जो वाटर सप्लाई स्कीम है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है निकारगुआ। देखो निकारगुआ एक कंट्री है, इसको एक्सिम बैंक के माध्यम से 20.10 मिलियन डॉलर का फंड अलाडू छावरिया हॉस्पिटल को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। और एक्सिम बैंक ने क्यूबा, यानी क्यूबा एक कंट्री है, इसको 75 मिलियन डॉलर का फंड फोटोवोल्टेइक सोलर पार्क को बनाने के लिए ये फाइनेंसिंग प्रोवाइड की है। तो आपको याद रखना है क्यूबा एक कंट्री है, इसको एक्सिम बैंक के माध्यम से 75 मिलियन डॉलर का फंड प्रोवाइड किया है, जिसके तहत जो फोटोवोल्टेइक सोलर पार्क है उसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट है सूरीनाम। देखो सूरीनाम एक कंट्री है, इसको एक्सिम बैंक के माध्यम से 35.80 मिलियन डॉलर का फंड प्रोवाइड किया है, जिसके तहत जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है उसको इम्प्रूव किया जा सकेगा। यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लाइट की सप्लाई है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, जिसके माध्यम से गाँव में जो लाइट कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके, और हम बात करें रूरल डेवलपमेंट भी किया जा सके। तो आपको याद रखना है सूरीनाम को 35.80 मिलियन डॉलर का फंड एक्सिम बैंक के माध्यम से प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट है AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अब हम बात करते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। तो इसके प्रेसिडेंट हैं जी लिंक्वन, और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में, और इसको फॉर्मेशन किया गया था 16 जनवरी 2016 में। ये इन्होंने एक बिजनेस ओपन किया था और इन्होंने एंट्री स्टार्ट करी थी अपनी 25 दिसंबर 2015 में। ओके,
और हम बात करें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, तो इसका जो लास्ट मेंबर कंट्री है उसका नाम है लाइबेरिया, जो 103वें नंबर का कंट्री ज्वाइन हुआ है। जो AIA भी है, इन्होंने भी इंडिया के जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं वहां पर भी इन्होंने लोन प्रोवाइड किया है। तो हम बात करते हैं क्या क्या किस किस फील्ड में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के माध्यम से लोन प्रोवाइड किया गया है। तो बात करें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के माध्यम से मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन के तहत $500 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया है। देखिए, मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन की बात करते हैं तो इसका प्रोजेक्ट है $997 मिलियन का। इसमें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $500 मिलियन का फंड फाइनेंस किया है और $310 मिलियन का फंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ही इन्फ्यूज किया है और $187 मिलियन का फंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के माध्यम से इन्वेस्ट किया गया है। तो आपको याद रखना है, मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के माध्यम से बिल्ड किया जाएगा। इसके तहत जो टोटल आउटले है ये $997 मिलियन है, जिसमें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $500 मिलियन का फंड और महाराष्ट्र ने $310 मिलियन का फंड और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने $187 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट है L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड, यानी लार्जन एंड टर्बो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के माध्यम से $50 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया है। यानी ये जो फंड है ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए फंड प्रोवाइड किया गया है। आपको याद रखना है L&T फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $50 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया को $750 मिलियन का फंड AIIB के माध्यम से दिया गया, जो COVID-19 क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी के लिए ये फंड दिया गया है। यानी कि COVID-19 से फाइट करने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने इंडिया को $750 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट है इंडिया को $500 मिलियन का फंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने COVID-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस प्रोजेक्ट के तहत इंडिया को प्रोवाइड किया है, जिससे कि कोरोना वायरस की जो रिस्क कॉज है उनको खत्म किया जा सके या उनको रोका जा सके। इसके लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने इंडिया को $500 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया है। अब हम बात करते हैं नाबार्ड की। देखिए, नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके चेयरमैन है गोविंदा राजलू चिंताला। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसको फाउंड किया गया था 12 जुलाई 1982 में। तो अब हम बात करते हैं इसकी, क्योंकि नाबार्ड के माध्यम से जो फंड अमाउंट दिए गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको पहले हम जान लेते हैं। नाबार्ड की अभी कुछ समय पहले चेयरमैन के रूप में गोविंदा राजलू चिंताला का अपॉइंटमेंट किया गया। यानी आपको याद रखना है, नाबार्ड के जो चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं इनका नाम है गोविंदा राजलू चिंताला। इनसे पहले जो चेयरमैन थे उनका नाम था हर्ष कुमार भानवाला, ओके। और इनके डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो इनका नाम है साजी केवी एंड PVS सूर्य कुमार, साजी केवी एंड PVS सूर्य कुमार। अब नाबार्ड के माध्यम से जो लोन प्रोवाइड किए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट को उसको हम देख लेते हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल को 795 करोड़ रुपीज का फंड प्रोवाइड किया है। ये जो फंड है, यहाँ पर एक साइक्लोन आया था मई 2020 में जिसका नाम है एम्फान। इसके तहत जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ये फंड प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को 1050 करोड़ रुपीज का फंड नाबार्ड बैंक ने वहां के जो फार्मर्स और जो पुअर पीपल हैं उनके वेलफेयर के लिए प्रोवाइड किया है। तो आपको याद रखना है, नाबार्ड ने वेस्ट बंगाल को जो साइक्लोन आया था अम्फान उसके कारण जो डैमेज हुआ है वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से 795 करोड़ रुपीज का फंड प्रोवाइड किया है और वेस्ट बंगाल को 1050 करोड़ रुपीज का फंड वहां के किसान और जो गरीब लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट है आसाम ग्रामीण विकास बैंक। आसाम ग्रामीण विकास बैंक को नाबार्ड ने 270 करोड़ रुपीज का फंड प्रोवाइड किया है। इसके तहत जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं फार्मर्स की उनको सपोर्ट किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, आसाम ग्रामीण विकास बैंक को नाबार्ड के माध्यम से 270 करोड़ रुपीज का फंड प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक। देखिए,
जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और जो रीजनल रूरल बैंक हैं, उनके लिए नाबार्ड की तरफ से 20,500 करोड़ रुपीज का फंड प्रोवाइड किया है। यानी जो कोऑपरेटिव बैंक हैं, इनको 15,200 करोड़ रुपीज का फंड दिया जाएगा और जो रीजनल रूरल बैंक हैं, इनको 5,300 करोड़ रुपीज का फंड प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक को नाबार्ड की तरफ से 20,500 करोड़ रुपीज का फंड प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट है पंजाब स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसके प्रोजेक्ट के तहत नाबार्ड ने 140 करोड़ रुपीज का फंड प्रोवाइड किया है, जिससे कि इस प्रोजेक्ट को स्ट्रेंथन प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक को 2.51 करोड़ रुपीज का फंड नाबार्ड ने प्रोवाइड किया है। इसके तहत जो वहां के सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनको प्रमोट किया जा सके और साथ ही साथ जो उनका स्किल डेवलपमेंट है उसको एनहांस किया जा सके और जो उनका रिकॉर्ड मेंटेनेंस है उसको डिजिटाइजेशन किया जा सके। तो ये जो फंड है उन्हें ई शक्ति और डिजिटाइजेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप के पार्ट के तहत दिया गया है। तो आपको याद रखना है, कर्नाटक को 2.51 करोड़ रुपीज का फंड सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने के लिए नाबार्ड बैंक ने प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को नाबार्ड बैंक ने 400.64 करोड़ रुपीज का फंड प्रोवाइड किया है, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड के माध्यम से वहां के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए ये फंड दिया गया है। तो आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर को 400.64 करोड़ रुपीज का फंड नाबार्ड बैंक ने प्रोवाइड किया है। अब हम बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की। देखो, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है संघाई में और इसको फाउंड किया गया था 15 जुलाई 2014 में और इसके प्रेसिडेंट हैं मार्कोस पेड्रो त्रियोजो। और इसमें भी कुछ नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जिसकी हम बात करें, यानी जो इसके प्रेसिडेंट हैं इनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम है मार्कोस प्रेडो त्रियोजो और इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं अनिल किशोरा। इसकी बात करते हैं, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इन्होंने भी इंडिया को लोन के रूप में अमाउंट प्रोवाइड किया है, जिसमें 241 मिलियन डॉलर का फंड इंडिया को मुंबई रेल प्रोजेक्ट के तहत दिया है और इंडिया को 1 बिलियन डॉलर का फंड कोविड-19 जो पैंडेमिक डिसीज है उससे टैकल करने के लिए या जो उनका स्प्रेड आउट है उसको रोकने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को फाइनेंशियल एड के रूप में फंड प्रोवाइड किया है। ओके, आपको याद रखना है, 1 बिलियन डॉलर का फंड कोविड-19 के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को प्रोवाइड किया है। और हम बात करते हैं इंडिया ने किन किन कंट्रीज को लोन अमाउंट प्रोवाइड किया है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर मालदीव को इंडिया ने 18 मिलियन डॉलर का फंड प्रोवाइड किया है, जो वहां के जो फिशरी सेक्टर है उसको एक एक्सपेंशन प्रोवाइड किया जा सके। वहां का एक बोर्ड है जिसका नाम है मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी, ये फिशरी सेक्टर को देखती है, तो वहाँ जो फिशिंग फैसिलिटी है उसको एक्सपेंशन करने के लिए इंडिया ने मालदीव को 18 मिलियन डॉलर का फंड प्रोवाइड किया है। और मालदीव को 500 मिलियन डॉलर का फंड ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जो करीब 6.7 किलोमीटर का है, उसके लिए इंडिया ने मालदीव को 500 मिलियन डॉलर का फंड प्रोवाइड किया है। ओके, और इंडिया ने मालदीव में कैंसर हॉस्पिटल और क्रिकेट स्टेडियम को बिल्डअप करने के लिए 800 मिलियन डॉलर का फंड लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से प्रोवाइड किया है। तो आपको याद रखना है, इंडिया ने मालदीव को लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत 800 मिलियन डॉलर का फंड वहां पर कैंसर हॉस्पिटल और क्रिकेट स्टेडियम को बिल्डअप करने के लिए प्रोवाइड किया है। ओके, यूएस ने कमिट किया है कि 1.9 मिलियन डॉलर का जो फंड है इंडिया को सपोर्ट के रूप में, जो वहां का इनफॉर्मल सेक्टर है इंडिया का, यानी इंडिया का जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसको बूस्टअप करने के लिए यूएसए के माध्यम से इंडिया को 1.9 मिलियन डॉलर का फंड प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो फंड है ये वर्कर्स और जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिया ने कंट्रीब्यूशन दिया है 15.46 मिलियन डॉलर का फंड, जो इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड ऑफ यूएनओएसएससी के लिए दिया है। नेक्स्ट है, इंडिया ने फाइनेंशियल असिस्टेंस को एक्सटेंड किया है 1 बिलियन डॉलर का, जो एंटीगुआ और बारबुडा है वहां पर, जिससे कि जो कोविड-19 रेस्पॉन्स है उसके लिए इस फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके। तो आपको याद रखना है, इंडिया ने एंटीगुआ और बारबुडा को 1 मिलियन डॉलर का फंड कोविड-19 रिस्पॉन्स के तहत प्रोवाइड किया है। ओके,
इंडिया ने एक्सटेंड किया है मेडिकल असिस्टेंस को, जिसमें करीब $1 मिलियन का फंड नॉर्थ कोरिया को एंटी ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम है उसके तहत प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट है, इंडिया ने मालदीव के साथ $150 मिलियन की जो करेंसी स्वैप फैसिलिटी है वह प्रोवाइड की है। अब बात करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने इंडिया को फंड प्रोवाइड किया है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जापान ने इंडिया को 50 बिलियन जापानी येन करीब 3,500 करोड़ रुपीज का फंड COVID-19 पेंडेमिक डिजीज से फाइट करने के लिए जापान ने इंडिया को प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट है US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसने इंडिया को $350 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया है, जिसमें फंड ये हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, स्पेस और एम्पावरमेंट स्मॉल होल्डर डेयरी फार्मर्स, जनरेट सोलर पावर और इंक्रीज एक्सेस ऑफ एजुकेशन, इन सब में $350 मिलियन का फंड इन्वेस्ट किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, ये जो फंड है यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने इंडिया को प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। देखो, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने कानपुर को 650 मिलियन यूरो का फंड प्रोवाइड किया है। यानी ये जो फंड है कानपुर में जो मेट्रो लाइन है उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के माध्यम से 650 यूरो का फंड प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मालदीव को $16.20 मिलियन का फंड दिया है, जिससे कि जो इकोनॉमिक रिलीफ मेजर्स हैं उनमें सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, लिक्विडिटी शॉर्टेज को कवरेज किया जा सके और साथ ही साथ जो लोकल बिजनेस और जो डेफर हैं वहां पर उनको यूटिलाइजेशन के जो मेजर्स हैं उनको प्रोवाइड की जा सके। तो आपको याद रखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मालदीव को $16.20 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर डिजास्टर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ US। ओके, इन्होंने $3.6 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया है, जिससे कि इंडिया में जो COVID-19 पेंडेमिक डिसीज है उसे फाइट करने में स्ट्रेंथन प्रोवाइड की जा सके और साथ ही साथ जो लेबोरेटरी कैपेसिटी है SARS-CoV-2 की उसको भी इंक्रीज किया जा सके, जिससे कि जो मॉलिकुलर डायग्नोसिस और जो सेरोलॉजी है उसको हेल्प मिल सके। तो आपको याद रखना है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इसके लिए इंडिया को $3.6 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो फिगर है ये थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन यदि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको डेफिनेटली ये सभी फिगर आपको इजीली याद हो जाएंगे, जो आपके एग्जाम में आपको काफी हेल्प प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, यही थे कुछ इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और बैंक्स के माध्यम से जो लोन के रूप में फंड प्रोवाइड किया है, यही था जनवरी से अक्टूबर 2020 के बीच में। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें, और हमने इस वीडियो का PDF लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।